Okay, so now let's move towards the elastic constant. What are elastic constants? These are basically material properties. Okay, so whenever we say like steel, aluminium, copper, cast iron, whatever we say, that value will get fixed for that particular material. So this is a material property, and the elastic constant that we use are E, mu, G and K. There are four elastic constants for any homogeneous and isotropic material. Now we have already talked about homogeneous and isotropic materials. Okay, so let's discuss them one by one and we will see what are the relationship between these elastic constants. Okay, so first there are four elastic constants, and E we have already seen, this is called Young's modulus, or it is also called modulus of elasticity. If it simply isko ye bhi bol sakte hain, elasticity modulus. Okay, to iska expression kya hota hai? Basically elastic modulus is equal to sigma upon epsilon, yani ki apna jo normal stress hai, normal stress upon normal strain, to unka jo relationship hoga that is fixed by E. So jab hum inke beech ka ek graph banate hain, and whenever like we are in only this elastic region only, to graph hamara kuch is type ka banta hai, right? Ye elastic region agar yahan tak hai, elastic limit hai jahan pe yielding start ho jati hai. So this is my Young's modulus. Jiska slope hoga na wo Young's modulus ko dikhayega. You can see it, ye sigma hai, ye E hai, to sigma upon E, और ये हमारा यंग्स मॉडुलस है प्रोपोर्शनल लिमिट तक. ओके, सो दैट इज यंग्स मॉडुलस फर्स्ट कांस्टेंट. सेकंड कांस्टेंट म्यू, जो हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया है, दिस इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो. पॉइजन्स रेशियो में क्या होता है? बेसिकली पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू माइनस लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. यहाँ पे माइनस क्यों लगाते हैं? दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, राइट. देन थर्ड कॉन्स्टेंट इज जी. जी क्या होता है? ये हमने पहले भी यूज किया है, टॉर्शन में जी यूज करते हैं. जी इज सीयर मॉडुलस, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. ओके, सो दैट इज अवर जी. तो जी क्या होता है बेसिकली? देखो यहां पे जो रेशियो था दैट वॉज फॉर नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन, तो जी क्या होता है? हमारा सीयर स्ट्रेस टू सीयर स्ट्रेन का रेशियो होता है, शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन. तो वी बेसिकली सी दैट टाउ इज इक्वल टू जी गामा. ये रिलेशन होता है हमारा. जैसे यहां पर होता है ना सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन, सिमिलर रिलेशन फॉर शेयर स्ट्रेस विल बी दिस. ओके, एंड अवर द फोर्स कॉन्स्टेंट जो है यहां पे के, दैट इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस. ओके, तो के इज अवर बल्क मॉडुलस. और बल्क मॉडुलस क्या होता है? ये भी अगेन हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशन को ही दिखाएगा, बट यहां पे जो होगा दैट विल बी नॉर्मल स्ट्रेस है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का. ओके, तो नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक, हाइड्रोस्टेटिक के केस में बेसिकली है. सो दिस ऑल्सो बिकम्स, अगर हम प्रेशर की बात करेंगे तो स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट? माइनस पी इज प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. सॉरी अबाउट दैट. सो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? माइनस प्रेशर, प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो उन दोनों का जो रेशियो है दैट इज नोन एज के और द बल्क मॉडुलस. तो ये हमारे चार इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स होंगे किसी भी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए. दैट इज इंपॉर्टेंट हियर. ओके, अब इनके बीच में, चारों के बीच में कुछ रिलेशंस हैं जिससे हमको ये पता लगता है कि जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट मतलब कि जितने की वैल्यू तो तुमको मालूम होनी ही चाहिए बाकी को निकालने के लिए, दैट इज टू. इफ यू नो एनी टू ऑफ दिस फोर यू कैन कैलकुलेट अदर टू बाय द रिलेशन दैट दे हैव विद ईच अदर. सो व्हाट आर दिस रिलेशंस? ओके, सो लेट्स लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन दिस इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स. सो द फर्स्ट रिलेशनशिप इज ई इज इक्वल टू टू जी वन प्लस म्यू. दैट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. And second equation is E is equal to 3k 1 minus 2 mu. देखो ये जो relationships होंगे ना ये आपको याद रखने पड़ेंगे.
ठीक है, या बेसिकली रट सकते हैं उनको, ठीक है। तो ये दो रिलेशनशिप्स हैं। अब अगर लेट्स से मेरे पास दो कोई भी वैल्यूज थी, मेरे ई का था और म्यू का वैल्यू था, तो मैं बाकी दोनों चीजों को निकाल सकता हूँ, ठीक है। कैसे निकल जाएगा, यहां से मेरे को मिल रहा है जी इज इक्वल टू ई अपॉन टू वन प्लस में, एंड यहां से मेरे को क्या मिल रहा है, के इज इक्वल टू ई अपॉन थ्री टाइम्स वन माइनस टू म्यू, राइट। दोनों के बीच का रिलेशन निकल गया। तो अब अगर मेरे को ई और म्यू मालूम है तो मैं बाकी के दोनों कॉन्स्टेंट्स को निकाल सकता हूँ। सिमिलरली अगर हम म्यू को भी यहाँ से रिप्लेस करना चाहेंगे, तो अब तो देखो आपस में उन दोनों को सबको एक कॉन्स्टेंट हटा दो, दूसरा डाल दो उसकी जगह, तो उनको मिला के एक और रिलेशनशिप यहाँ पे बनाई जा सकती है। दैट इज ई इज इक्वल टू नाइन के जी डिवाइडेड बाई थ्री के प्लस जी। ओके ओके, तो एक हमारा ये फाइनल रिलेशन बन जाएगा इन लोगों के बीच में, ठीक है। नाउ ये तो इनका रिलेशनशिप की बात, अब हम इनकी देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है। सो इंडिविजुअली व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ all these elastic constants. Now the common property is all of them will be positive in nature, will be positive always, ठीक है। ये condition जो है ये हमेशा true रहेगी कि ये सारी values जो होंगी आपकी positive ही आएंगी हमेशा। अब देखो यहाँ पे मेरे पास में ये relationship की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो e positive होना चाहिए, ठीक है, and k positive है, तो ये वैल्यू जो है दैट ऑल्सो हैज टू बी पॉजिटिव, राइट। इंडिविजुअली मैंने इनको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि वन माइनस टू म्यू हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो। ओके, ये यहाँ पे मेरे को कंडीशन मिल गई, और इसे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से जो मिलता है दैट इज वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू म्यू, यानी कि म्यू इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू हाफ। नाउ दिस गिव्स मी वन कंस्टेंट फॉर द वैल्यू ऑफ म्यू, ठीक है। अब अगर मेरे को म्यू की वैल्यू का कंस्टेंट मिल गया तो मैं बाकी वैल्यूज का भी कंस्टेंट देख सकता हूँ कि क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली होगा कि म्यू की वैल्यू मेरी जीरो से लेके हाफ तक जाएगी, ठीक है। तो म्यू के केस में क्या हो रहा है, अगर मैं लेट्स से कि किसी किसी मटेरियल के लिए क्या होगा, सो फॉर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू, अगर हम उसको कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे मटेरियल अगर मैंने लिखा, यहाँ पे म्यू लिखा, एक छोटा सा टेबल जो लाइक मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड अपने मटेरियल्स होते हैं ना, उनकी हम खाली बात करेंगे। दीज वैल्यूज कैन बी आस्क लाइक इन एग्जाम ईएससी प्री, दैट इज व्हाई ओनली वी आर रीडिंग दम। सो फॉर कॉर्क वैल्यू ऑफ म्यू इज जीरो, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम उसको दबाएंगे तो देर वॉन्ट बी एनी लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन विल बी जीरो इन केस ऑफ कॉर्क। ओके, देन कॉन्क्रीट, सो कॉन्क्रीट के केस में भी लेटरल स्ट्रेन बहुत कम होते हैं, तो इसकी वैल्यू भी बहुत कम होगी, 0.1 से लेकर 0.2 तक। ओके, देन फॉर मेटल्स, फॉर मेटल्स इट विल बी फ्रॉम 1/4 टू 1/3 रफली इन दिस रेंज, एंड फॉर रबर एंड प्लास्टिक्स, ओके, रबर्स एंड प्लास्टिक्स आर बेसिकली इन सेम कैटेगरी ओनली, इनके लिए जो हमारी वैल्यूज होगी दैट विल बी रफली 0.5। ओके, क्योंकि रबर वगैरह ऐसा है कि जिन वगैरह आप एक डायमेंशन चेंज करोगे तो दूसरा जो है बहुत ही इजीली चेंज हो जाएगा, बट कॉर्क में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जब वैल्यू 0.5 होगी तो वी कैन से कि डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, दैट वी कैन पुट इन द एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा वी ऑल्सो। तो डेल्टा वी का जो एक्सप्रेशन आया था ना मेरा, एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई इंटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3, दैट वन। तो यहाँ पे इफ आई पुट म्यू इज इक्वल टू हाफ, सो दिस विल गिव मी एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स डेल्टा वी की वैल्यू जो है दैट इज जीरो। ओके, नाउ इसकी हेल्प से, म्यू की हेल्प से हम बाकी जो इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। ओके, और इस टेबल में हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे म्यू, जिसका हम रेंज लिखेंगे, और अगर म्यू का रेंज मुझे पता लग जाता है तो आई कैन गेट द रेंज ऑफ जी एंड आई कैन गेट द रेंज ऑफ के ऑल्सो, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, म्यू की रेंज क्या है, जीरो से लेके 0.5 तक। ओके, तो फ्रॉम 0 टू 0.5 आई गो, सो इफ म्यू इज इक्वल टू 0 देन आई राइट द एक्सप्रेशन से फर्स्ट, जी इज इक्वल टू ई अपॉन 2 इंटू 1 प्लस म्यू, एंड के इज इक्वल टू ई अपॉन 3
3 times 1 minus 2 mu. Okay. See, I keep on writing these expressions again and again so that you can remember them. Okay. Inko yaad karne ki aapko zarurat padegi padegi. That's all. So when mu is equal to 0, what will happen to g? Mu is 0, so g will become a by 2. Okay? And if mu is 0.5, so what will happen to g? This 0.5, mu ki value 0.5 ho jayegi, to 0.5 plus 1, 1.5 into 2, 3, yani ki a by 3 tak a jayegi uski value. Right? Similarly, jab hum k ke liye dekhenge, to jab mu ki value 0 hai, to it is e by 3. Simple. And the e key value 0.5, mu key value 0.5, so this becomes 1 minus 2 into 0.5, that is 1 minus 1. So this becomes infinite. Okay, 0. So basically what we are trying to say here, the range for g, this can go from e by 2 to e by 3. Right? यहां तक हमारे g की रेंज आ सकती है. सॉरी e by 3 छोटा होता है, e by 3 से लेके e by 2 तक, राइट. यानी कि हमेशा g जो है वो e by 2 से तो छोटे होगा और e by 3 से बड़ा होगा. सो इन केस यू आर गिवन ए लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसमें तुमको पॉसिबल वैल्यूज दे रखी हो तो यू कैन चेक फ्रॉम हियर. ओके. एंड सिमिलरली जो k की रेंज है वो क्या है, k इज वेरिंग फ्रॉम e by 3 to infinite. यानी कि k की जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी e by 3. ओके. सो दैट इज द बेसिक रिलेशनशिप एंड द रेंज ऑफ दिस इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स. नाउ लेट्स टेक इन विल टेक फ्यू एग्जांपल्स टू मेक दिस कॉन्सेप्ट्स मोर क्लियर. ओके. ओके. सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल. यहाँ पे हमारा तीन लोड्स लग रहे हैं, क्यूबिक बॉडी है. द डायमेंशन ऑफ क्यूब इज 100 mm. Load that is acting in all three directions is 200 kN. E is 200 GPa. K is 150 GPa. And we need to calculate the change in volume of this particular body. What will be the net volume after the application of these loads? Okay. So directly we use kar sakte hain ki epsilon V ka formula kya hota hai, kyunki sare formulas humne le rakhe hain already. So epsilon V, which is delta V upon V, is equal to 1 minus 2 mu upon E into sigma 1 plus sigma 2 plus sigma 3. Okay. तो तीनों directions में जो stress है, उनका summation into 1 minus 2 mu upon E. देखो, again I am telling you, जो mistakes होती हैं, सबसे ज्यादा होती हैं units में, कि लोग unit का ध्यान नहीं रखते, वहाँ पे problem हो जाती है. दूसरी problem हो गया अब यहाँ पे direction में. Okay. तो direction को मतलब ठीक से देख लेना है कि कौन सा direction लग रहा है. एंड किस डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव लेना, किस डायरेक्शन में निगेटिव ले रहे, राइट. तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस विल बिकम, देखो सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट. तो मैं इस पूरे सिग्मा को हटा के यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया भी कर सकता हूँ, राइट. सो दिस विल बिकम 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, राइट, 200 GPa. तो उसको 10^9 करके लिख देंगे हम लोग. इन टू सिग्मा वन की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा वन की एक्स के अलोंग से लग रहा है, दैट इज दिस पी अपॉन एरिया, राइट. ये चीज तो चले, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट वन विल बी, दीज टू आर कॉम्प्रेसिव इन नेचर, सो माइनस पी अपॉन एरिया फॉर वाई एंड माइनस पी अपॉन एरिया फॉर जेड. ओके. तो यहां पर हमको एरिया मालूम है, सारे के सारे एरिया क्या होंगे, ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज 100 इंटू 100 mm स्क्वायर. ओके. ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे. दूसरा, अब हमको म्यू नहीं मालूम है, तो म्यू मालूम करने के लिए इसने हमको दो चीजें दे रखी है, के दे रखा है और ई दे रखा है. तो इन दोनों का रिलेशन यूज करके आई कैन कैलकुलेट म्यू. तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन था, ई इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू. आई नो के आई कैन कैलकुलेट म्यू, एंड after calculating the mu, I will put back the value in this formula. यहाँ पे देखिए दोनों का ठीक है, क्योंकि ये बच्चे के यानी कि negative value आई है. So delta V will become minus 44.4 mm³. Okay. तो you can try and calculate it and see if it is, see for yourself अगर कर सकते हो कि नहीं कर सकते. Okay. Now next, taking another example wherein we are again considering same body. Okay, and the load here I am changing.
टू हाइड्रोस्टेटिक लोड. ओके, तो हाइड्रोस्टेटिक बेसिकली क्या है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव. पॉजिटिव रहता है वैसे तो, सॉरी नेगेटिव रहता है, कंप्रेसिव नेचर. यहाँ पर हम ले रहे हैं कि सारा का सारा लोड जो है वो टेंसाइल इन नेचर है. ओके, सो टेंसाइल इन नेचर हमने लोड ले लिया है जिसकी वैल्यू है हमारे 200 किलो न्यूटन. एंड हमारा म्यू यहाँ पे दे रखा है हमको 1/3. ए डायमेंशन वही है उसकी 100 mm. ओके, एंड ई की वैल्यू है 200 GPa. अगेन वी नीड टू कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा इधर. सी तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे, इस बार तो कुछ करना भी नहीं है इसमें, ऊपर वाले फॉर्मूले को डायरेक्टली लगा देंगे. तो डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू 1 - 2 μ अपॉन ई इन टू σ1 + σ2 + σ3. एंड ऑल दीज थ्री वैल्यूज वी आर गिवन ऑलरेडी, तो डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा इधर में. ठीक, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. ओके, सो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल यू आर गिवन डेल्टा एल, दैट इज चेंज इन द लेंथ एज 0.5 mm. यू आर गिवन द चेंज इन ब्रेथ, दैट इज 0.1 mm. ओके, एंड फॉर दीज वैल्यूज योर ई इज 200 GPa, राइट. म्यू वैल्यू इज 0.3, एंड यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई. सिग्मा एक्स की सिग्मा वाई की वैल्यू क्या होंगे वो यहाँ से आपको कैलकुलेट करके बतानी है. ठीक है, सो इन कंडीशंस के लिए नाउ दिस इज माई एलिमेंट दैट वी नीड टू टेक. ओके, दिस इज द लेंथ एल, दिस इज द ब्रेथ बी, एंड दिस इज सिग्मा एक्स, एंड हेयर इज योर सिग्मा वाई. ओके, इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई. तो वी नीड टू कैलकुलेट वट इज द वैल्यू of sigma x and what is the value of sigma y for these conditions that are given to us. Okay, so how are we going to start it? We are given delta l, delta b, and we are given original length and breadth. So what we can do, epsilon x, epsilon x ka formula kya hota hai, delta l upon l is equal to 1/e sigma x minus mu sigma y. Okay, that is the formula for epsilon x. तो यहाँ पे हमको डेल्टा एल दे रखा है क्वेश्चन में, एल दे रखा है, राइट. यानी कि 0.5 / 10^3 इज इक्वल टू 1/e. ई की वैल्यू कितनी है, 200. अब देखो डेल्टा एल मैंने एमएम में पुट कर दिया, एल भी मैंने एमएम में पुट कर दिया, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए. सिमिलरली अगर मैं इधर इसको, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू अभी मेरे को नहीं मालूम है, मैं अगर ई को मेगा पास्कल में रखता हूँ तो सिग्मा मेरा मेगा पास्कल में ही निकलेगा. ओके, सो लेट्स कीप दिस इन मेगा पास्कल इनटू जो है वो रख देते हैं सिग्मा एक्स माइनस म्यू 0.3 सिग्मा वाई. ओके, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2 कहाँ से आएगी, एप्सिलॉन वाई से. दैट विल बी डेल्टा बी अपॉन बी इज इक्वल टू 1/e कितना है, 200 × 10^3 इंटू सिग्मा वाई माइनस म्यू 0.3 इंटू सिग्मा एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा बी की वैल्यू कितनी, 0.1 / 0.4 × 10^3, राइट. नाउ वी आर हैविंग टू इक्वेशंस एंड टू अननोन, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई. तो आई होप कि उन दोनों को कैलकुलेट किया जा सकता है इधर से. एंड फाइनली जब तुम कैलकुलेट कर लोगे तो सिग्मा एक्स की वैल्यू आएगी 126.37. सिग्मा एक्स विल बिकम 126.37 मेगा पास्कल, एंड सिग्मा वाई विल बिकम 87.9 मेगा पास्कल. देखो कई बार ना ऐसे ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं क्वेश्चन में जहाँ पे केवल वो यूनिट को अलग रखते हैं, एक जगह मेगा पास्कल रख दिया, एक जगह गीगा पास्कल रख दिया, एक जगह किलो पास्कल रख दिया. सो यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज क्वेश्चन. ओके, अगर आप यूनिट्स को केयरफुली रखोगे, पुट करोगे एक्सप्रेशन में, तो आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा. ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल एंड देट विल बी द लास्ट वन फॉर दिस वीडियो. So let's take a circular rod here or a cylindrical rod, ठीक है, जिसका कि हमको देखा कि एक्सियल लोड इसके अंदर लग रहा है P, that is equal to 5000 kN. ओके, एंड that is tensile in nature. Other than that, the diameter of the rod initial is 30 mm, we can say that is D0, and the length initial is 1000 mm. ओके, तो एक मीटर का रॉड है जिसका डायमीटर 30 mm, और जिस पर लोड हमने लगा दिया 5000 kN का टेंसाइल लोड लगा दिया एक्सल डायरेक्शन में. नाउ वी आर गिवन दैट डी एफ, यानी कि फाइनल
diameter will become 29.891 mm, and G will become, G is given as 70 GPa. Okay, these two values are given to us. We need to calculate mu and E, the value of these two elastic constants. Other than that, we need to calculate what is delta L, or the final length, and what will be the delta volume, or the final volume. Okay. So how are we going to proceed about it? First of all, we are given D final and we are given D initial. Okay. So what I can write is epsilon D, and diametrically jo aayega hamara, that will be equal to 1 by E and sigma. Ab dekho, is direction ko maine x maan liya, is direction ko maine y maan liya. Theek hai. Sigma y minus mu sigma x. Okay. That is going to be our expression here. So what we are given, that there is a load P. So P ki wajah se jo generate hoga, that will be sigma x, and that will be P divided by area, yani ki 5000 kilonewton divided by area kitna hai? Pi by 4 into d square, yani ki 30 ka square. So yaha jaga mara newton per mm square mein. Right, so sigma x ki value yahan se calculate ho gayi mere ko, there is no other force, so sigma y is equal to 0 basic, right? So sigma y has cancelled, sigma x ki value yahan se humko mil gayi hai, aur epsilon d is equal to delta d divided by d. Now we are given d final, we are given d initial, again calculate delta d upon initial d is equal to a. Sara values jab hum yahan pe put karenge, so there is only one unknown in this case, E and mu. Okay, so I am having two unknowns here, so it will become E is equal to some, and there will be huge value here. Okay, so just calculate it, 1946849 mu. This will be my first equation. Okay, second equation hum iske liye kahan se likhenge, humko g de rakha hai, to g ka expression hum yahan pe use karenge. That is E is equal to 2g1 plus mu, right? यहाँ पे E का expression हमने mu के form में already निकाल लिया, जो यहाँ पे put कर देंगे, that will give me mu is equal to 0.077. okay, you calculate all these values and verify also. Okay, that will be E, and by that E will become 150.84 megapascal. तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि हमने म्यू की वैल्यू निकाल लिया एंड हमने ई की वैल्यू निकाल लिया. नाउ सेकंड पार्ट इज टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ फाइनल लेंथ एंड डेल्टा वी. सो आई नो दैट एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू 1 बाय ई सिग्मा एक्स माइनस म्यू सिग्मा वाई. ओके, सिग्मा जेड भी यहाँ पे ले सकते हो, बट जेड का कोई रोल कॉल नहीं है तो उसकी जरूरत नहीं है आपको. ठीक है, सो एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू, ये हो गया. अगेन ये तो जीरो है, ये हमारे पास है, ये भी यहाँ पे, तो एप्सिलॉन एल की वैल्यू आ जाएगी, और उस एप्सिलॉन एल की वैल्यू से हमारा जो है एल फाइनल निकल जाएगा. राइट, एल फाइनल विल बी एबल टू कैलकुलेट. सिमिलरली हम एप्सिलॉन वी क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन एल प्लस 2 एप्सिलॉन डी. ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक इसका फॉर्मूला है, ये चीज मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, तो वहां से मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकल जाएगा, दैट विल ऑल्सो गिव मी फाइनल वॉल्यूम, सॉरी डेल्टा वॉल्यूम अपॉन वी. सो आई कैन गेट ऑल द डायमेंशंस आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ दिस लोड. ओके, सो आई होप कि इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स एंड स्ट्रेन इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बार्स इन सीरीज एंड पैरेलल. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द टॉपिक फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो, एंड उसके बाद में देखेंगे फिर और नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाएंगे हम लोग. ये स्ट्रेस से रिलेटेड जो है, स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड, दिस इज गोइंग टू बी अवर लास्ट टॉपिक. ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. डू वेल, बी हैप्पी, बी हेल्दी. थैंक यू.